ये बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ, हमसा चक्र की पकड़। हमसा चक्र की पकड़ के लिए रोज थोड़ा सा घी, अच्छा घी बना करके और एक ड्रॉपर शीशी में रख लीजिए और उसको नाक में दो बूंद जरूर डालना चाहिए। उससे हमसा चक्र साफ रहेगा, सारी ड्राइनेस चली जाए। खासकर जो लोग ड्राई है बहुत, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। उससे आपका हमसा खुल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। जय श्री माता जी। अभी हम नाक में घी कपूर छोड़ने की विधि देखेंगे। इसके लिए आपका जो बिस्तर है उस पे उसकी जो आखिरी वाला हिस्सा है वहाँ पे आप जाइए और धीरे धीरे आपकी नेक, आपकी गर्दन नीचे छोड़ दीजिए और इस पोजीशन में आपके पास जो कुछ है, घी की बॉटल हो या ड्रॉपर में भरा हुआ घी कपूर हो, वो धीरे धीरे आपके नाक में ऊपर की हिस्से में छोड़िए। यहाँ पे दो बूंद और यहाँ पे दो बूंद। ऐसा छोड़ने के बाद धीरे धीरे घी को नाक की ओर खींचिए और ये करते वक्त आप नाक को बंद चालू कर सकते हैं। घी कपूर छोड़ते वक्त आप ऐसे नाक को ऊपर उठाओगे तो आपको सही दिशा मिलेगी हमसा की ओर जाने के लिए। और थोड़ा सा घी लेके आप इस हमसा को भी ऐसे मसाज करके ये घी को हमसा की ओर खींच सकते हैं। ये हो गई पहली विधि। लेकिन इस विधि में जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है नेक का, या फिर ब्लड प्रेशर है, या जिनको चक्कर आते इस पोजीशन में, ये ना करें। तो इनके लिए और एक दूसरी पोजीशन है, उसके लिए आप ये दूसरी पोजीशन देख सकते हैं। जगह पे आप सो जाइए बिना पिलो के और धीरे धीरे वहीं पे आप गर्दन को ऊपर उठाइए, नाक को ऊपर लेते हुए आप दो दो बूंद ऐसे छोड़ सकते हैं। इस अवस्था में 2 से 5 मिनट रुक जाइए और फिर धीरे धीरे नॉर्मल आराम कर सकते हैं आप। और एक अच्छी पोजीशन है, जैसे ही आप लेटते हैं तो दो पिलो लीजिए और जैसे उस पर लेटेंगे तो आपको आपके गर्दन को सपोर्ट भी मिलेगा और नाक में घी कपूर छोड़ने का एंगल भी अच्छी तरीके से मिलेगा। और ये कंफर्टेबल पोजीशन है, इसे में आप दोनों हाथ सर के नीचे भी रख सकते हैं और ऐसे पोजीशन में थोड़ा सा पीछे करके वापस इस नाक में आप दो दो बूंद छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया घी कपूर छोड़ने का विधि, उसके पोजीशंस। ये घी कपूर के बारे में श्री माता जी ने शाम के वक्त सोने से पहले दो दो बूंद आप छोड़ सकते हैं। घी को थोड़ा पिघलना होगा, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। सर्दी के सीजन में शाम को ज़्यादा ठंडी होने के कारण फिर आप दोपहर को इसको छोड़ सकते हैं। घी कपूर बनाने के लिए आप 100 ग्राम गाय का देसी घी लेके उसमें 15 ग्राम भीमसेनिक कपूर मिला के उसको एक शीशी में वाइब्रेट करके रख दीजिए। कांच की शीशी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। घी कपूर को डेली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट डे आप उसको छोड़िए। हंस चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र चारों को इसका अच्छा फायदा होता है। अभी के इस अमृतवाणी में हमने सुना है कि अंदर की जो हंस चक्र के अंदर जो सेल्स है, जो पेशियां हैं, वो ड्राई हो जाती है और उसके कारण साधकों को परेशानी होती है। तो उसकी ड्राइनेस निकालने के लिए जैसे हम शरीर को या हमारी त्वचा को क्रीम लगाते हैं और वैसे ही हंसा चक्र को हमको
घी कपूर छोड़ना जरूरी है ऐसा बताया है। याददाश्त रखने के लिए, विचार को कम रखने के लिए, सुबह मेडिटेशन को जल्दी उठने के लिए और संतुलन मेंटेन करने के लिए ये घी कपूर सारे सहयोगियों को परम पूज्य श्री माता जी ने ये ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है। कपूर कृष्ण जी को भी, कृष्ण भगवान को भी प्यारा है ऐसा एक रेफरेंस मिला है श्री माता जी के अमृतवाणी में। और साथ साथ शिव जी जो है उनको भी आरती के समय कपूर आरती की जाती है जिसमें कर्पूर गौरवम करुणावतरम कहा है। कपूर ठंडा होने के कारण और हमारा जो एकादश रुद्र भी हंसा के ऊपर ही है जहाँ शिव है तो बॉडी भी ठंडी रहती है, तो इस गर्मी में भी और ओवरऑल हंसा चक्र को बैलेंस रखने के लिए सहयोगियों को ये करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि हर एक पौधे के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन में होते हैं और पौधा ऊपर रहता है, लेकिन मानव शरीर में ये पौधा उल्टा बोला है भगवद गीता में, ऊर्ध्व मूलम आदर्श शाखा, यानि जो मूल है रूट्स है वो ऊपर है और ब्रांचेस यानि शाखा नीचे है। इसीलिए घी कपूर जब नाक में छोड़ा जाता है तो वो मूल की ओर यानि रूट्स की ओर जाता है। आयुर्वेद ने भी कहा है कि नासा ही शिरोसो द्वारम, नाक ये सर का दरवाजा है और नाक में जो कुछ हम छोड़ते हैं वो डायरेक्ट सर की ओर यानी हंस चक्र आज्ञा चक्र की ओर जाता है। तो आज से सब सहयोगियों से अनुरोध करता हूँ, विनंती करता हूँ कि श्री माता जी ने बताई हुई ये ट्रीटमेंट जरूर अपनाइए और अपना जो निर्विचार स्थिति है उसे बनाए रखें। जय श्री माता जी। Put your right hand on the Ramarandhra. Just here, push it, move it clockwise. Now, the whole of this party, you can move. All the seven chakras are here. You can start it from here if you want. Backside you should move the other way round. Here also other way round. Now, especially here, left nabi. Now, put it on the Brahmarandhra, move it. Now, in the clockwise manner. Now bring it here. Vishuddhi. Must move Vishuddhi quite a lot. This is the Virata's thing. Now the Agya. Now the Hamsa. Just with this finger. Better now? Relieved? Much better. Also you can, for your Vishuddhi, you should put your right hand here and rub it the other way round, means anti-clockwise. Vishuddhi. Move it. No, with your fingers. Press it hard. With your fingers. You can massage yourself, I mean to say. Just do it like that. It will be nice.
तो तभी रहा हूँ बैठना फ्री ना मच बैठा पुट इट द नॉट दिस वे बट टेक इट दिस वे और ऑन द लेफ्ट शुड दी ना विथ अ लिटिल ऑयल इट विल बी ऑल राइट इट्स गुड फीलिंग बेटर ना मच बेटर क्लियर आउट मच बेटर ना So you can yourself massage. You see, for example, if your eyesight is not all right, massage it here. You can take the name of Maha Ganesha and Maha Bhairava here. It should work out. Ungliyon se kariye. With your fingers, please. With your fingers. You have to rub it with your fingers. Press it hard. If it is on the left side, you can feel it, or it is on the right side. That's why I said that put oil. That doesn't mean putting oil means just straightforward, pour it into your head, but rub it with your fingers. Now better? Stopped? Coughing has stopped now. Better now. See now, it's coming out. Good? The heat is coming out a little bit. Now, put the right hand towards me. And left hand. Ah, better. Pure. Try with the left hand again. Left hand and right. Bend your heads. Bend your head. Ah, that's like humbling down, you know. Good. Fine? Feeling better now? तो जैसे मैंने क्योंकि पीटा स्कैन है तो जो श्री माता जी ने बताया है तो यहाँ ये मूलाधार का पीटा है और इसके बीचों बीच यहाँ जहाँ हम चोटी बांधते हैं वहाँ पैक आ गया है तो जो आँखों की प्रॉब्लम है यहाँ मसाज करना है पैक आ गया और ये मूलाधार के लिए यहाँ से शुरू करना है इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ घुमाना है ये हिस्सा हमारा लेफ्ट नाभि है तो ये यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है और फिर ब्रह्मरंध्र पे हमें सीधा घुमाना है ठीक है तो ये बैक आज्ञा पे और लेफ्ट नाभि पे घड़ी की सुई की विपरीत डायरेक्शन में घुमाना है और ब्रह्मरंध्र पे ये विशुद्धि का पीठा है ये राइट नाभि का पीठा है तो ब्रह्मरंध्र के सामने राइट नाभि है और ब्रह्मरंध्र के पीछे लेफ्ट नाभि है ये बैक आज्ञा और ये तो ये मसाज से बहुत फर्क पड़ता है जैसे यहाँ भी ये दोनों राइट और लेफ्ट मतलब आपकी आज्ञा है इससे भी बहुत फर्क पड़ता है और जैसे श्री माता जी ने बताया विशुद्धि के लिए यहाँ करना है ये विराट का पीठा है और ये मतलब विशुद्धि है तो मसाज और घी कपूर तो जैसे जो राइट साइड के लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है मतलब गाय का घी जो होता है वो गाय जैसे हमारी माँ है तो जो राइट साइड के लोग हैं उनके लिए आप एकदम शांत हो जाएंगे आप ट्राई करके देखिए मैं तो ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो वेबसाइट में चली जाती हूँ इसीलिए तो थोड़े ही यूज़ करती हूँ पर जब लग रहा है कि हाँ राइट ओवर एक्टिव हो रहे हैं तो घी का पूरा आप डाल के देखिए नाक में आप एकदम से शांत हो जाएंगे तो ये राइट साइड के ट्रीटमेंट्स में अभी हम लेफ्ट साइड के देखते हैं कैंडल ट्रीटमेंट श्री माता जी कर रही हैं वो देख लेते हैं The candle treatment is something that we use quite often in Sada Yoga, especially in the dark period of the year or in the early morning or any time that we feel tired or worn out. When we use the candle treatment, it's important to remember that when we use the element fire, it is only for the left side.
So if we want to work on our right side, we have other treatments, but the fire is for the left side, or the Ida Nadi. We need two small plates and two pieces of candle. And to fix these pieces of candle to the plate, we just take some melted stearin and then put the little bit of candle there so it's fixed to the plate. We put one candle behind us on the left side, near to the hip, and the other candle we put in front of us on the left side so that we can reach it with our hand. We can be quite close to the flame, but not so close that we burn ourselves. We can now sit with the right hand towards Mother Earth and the left hand near the candle. And then just sitting in this position, we are clearing the left side. We can also use the candle to work directly on our chakras on the left side. We move the candle in front of the chakra in circles, clockwise. And in this way, we're clearing this chakra. In this way, we can work on all the chakras on the left side. On the left Svadhisthana, left Nabhi, left heart, left Vishuddhi, and on the Agya, we can just keep the candle still and just look through the flame on Shimatari's Bindi. We can also work with the candle on the superego, back and forth like this. And we can work on the back Agya. Finally, we can move the candle along the left channel, all the way down, up to the Agya, and crossing to the right side, to the superego, and back. You don't have to do all these different movements when you're using the candle treatment. This is just a film to show you what you can do. Don't move, don't make any gestures, nothing. Nothing out. You have to be inside. It will work out inside. Nothing should work out outside. Just keep quiet. Just put your hand towards me. Whatever has to work out will work out inside. Not outside. अगर हमें रोशनी दिखाना है तो कैंडल की फ्लेम की रोशनी दिखाना है, जैसे जो पीछे कैंडल रखते हैं तो बहुत ध्यान से रखें, स्पेशली जिसके घर में बच्चे हैं या खुद भी आप ही कर रहे हो। मैंने एक दो बार साड़ी अपनी जला चुकी हूँ।
और बच गई, माँ ने बचा लिया। तो ये बहुत डेंजरस चीज है जो कैंडल ट्रीटमेंट है। तो ये करते समय कृपया ध्यान दें कि कभी नींद आ रही है, नींद में कभी भी मतलब कैंडल ट्रीटमेंट ना करें, अपना पूरे होशो हवास में और बिल्कुल खूब चैतन्य है तो तब आप करिए कैंडल ट्रीटमेंट, अगर वेबसाइट में कोई इश्यू है तो। घुटने का दर्द काफी लोगों को होता है, उसका श्री माता जी का एक क्लिप है, वो देख लेते हैं। जॉइंट में जो पेंस नाभि चक्र से आते हैं, नाभि को करेक्ट करना चाहिए। और दूसरे इसमें भी आप ज़मीन में पैदा हुआ कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, और केरोसिन ऑयल को वाइब्रेट करके मैं दे जाऊंगी, उसको किसी भी तेल में मिला करके उसे लगाइए, और थोड़ा एक्सरसाइज हमेशा करते रहना चाहिए, उससे नहीं होगा। और तीसरे ये कि बहुत गर्म पानी से नहाने से बहुत प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बहते हुए ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। गर्म पानी से नहाने से तो बहुत आफतें आ जाती हैं, मसल्स कुलर पेंस हो जाते हैं, मसल्स में क्या कहते हैं आप लोग, कमज़ोर हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं, चल नहीं पाते। इसलिए गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना। Gracious Mataji prayers, the cause for insomnia and how can it be eradicated? Ya Devi Sarvoteshu Nidra Rupena Sansita is written there. Is Nidra the deity and how is she to be appeased? In what? Nidra. Insomnia, loss of sleep. The question is about insomnia and what are the deities involved as far as the Nidra is concerned. या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, शी इज द वन हु गिव्स यू स्लीप, इज द लेफ्ट साइड इज द महाकाली, दैट वन गिव्स यू अ स्लीप, एंड टू गेट टू हर यू मस्ट रेज योर महाकाली तत्व। सो ऑल दोज पीपल हु हैव इनसोम्निया बिजनेस शुड रेज द लेफ्ट साइड एंड पुट इट टू द राइट, ट्राई अबाउट 108 टाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू हैव टू डू सम डीप ब्रीदिंग, इन डीप ब्रीदिंग यू गो टू योर लेफ्ट साइड मोर, and with deep breathing you relax and then you put your attention to Sahasrara and sleep off. But insomnia is absolutely curable in Sahaja Yoga if you know how to put left to the right. After that you should also clear out your Agya Chakra. Like this, if you turn your Agya Chakra, you can do it, or ask some Sahaja Yogi to take turn your Agya Chakra or put your hand on the Agya Chakra. But the problem is if you ask any other Sahaja Yogi, he might get insomnia. So best thing is you use my photograph and try to turn your Agya Chakra like this. Also you can use the kumkum to put there, which will make you sleepy. And if you try to sleep in complete darkness. Never try to sleep when there is any streak of light coming in the room, because as long as Surya is there, your Agya Chakra takes over, and when the Surya is there, that light makes you feel very active, overactive sometimes, and you cannot sleep. And these insomnia is absolutely curable. You don't take any medicines or anything for that. Another thing, taking tea like this in the night, you might get insomnia, not me, but you might get. Your mobile app, your TV, खाना खाने के मतलब सोने से 2 घंटे पहले खाना खाना है, और उसी से टाइम से आपने टीवी हो गया या चाय पीना हो गया या मोबाइल ये ना देखें, जो ये इसके रेज हैं इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों की ग्रोथ के लिए, जो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेट होता है जिससे बच्चे बढ़ते हैं, तो वो मतलब पल्सेटाइल फैशन में, जैसे ग्रोथ मतलब दिन के कौन से टाइम में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही पढ़ते हैं, हमारे में हम भी पढ़ते हैं, बड़े लोग भी पढ़ते हैं, तो जैसे आपकी हड्डी है या आपके सेल्स हैं, सारी तेज़ जिंदगी मतलब ये मतलब इसका रीजनरेशन होते रहता है,
तो आपकी जैसे पेट की अतड़ियों की जो लाइनिंग है, हर मतलब तीसरे दिन आपकी आपकी नई अतड़ियों में लाइनिंग बन जाती है, जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, तो आपका जो सारा आप मतलब हमारे शरीर के जो फिजियोलॉजिकल जो बिल्डअप है, ये इसके लिए हमें नियमित रूप से टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जैसे श्री माता जी ने बताया कि अंधेरे में सोएं, लाइट ना होए, क्योंकि मेलाटोनिन नाम की चीज़ होती है जो रिलीज होती है और उसी से हमारी नींद आती है। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ करेंगे तो हमें नींद की तकलीफ जिसको भी है वो देखेंगे कि उनकी नींद ठीक होती है कुछ करने से। और ये लेफ्ट रेज करके राइट शाम करेंगे, तो जो भी जैसे लेफ्ट रेज करके राइट को शांत करेंगे, तो इस तरीके से हमारी ईड़ा नाड़ी को हम जागृत कर रहे हैं और सूर्य नाड़ी को शांत कर रहे हैं। तो जिसको बीपी है या डायबिटीज़ है वो भी ये लेफ्ट रेज करके राइट को शांत करें। तो जनरल ट्रीटमेंट्स तो हो गए हैं।